हेलो स्विमर्स, देखिए आज हम इस वीडियो में जो किक की सही टेक्निक होती है उसको बताने जा रहे हैं। कि बहुत लोगों की जो क्वेरी थी कि सर उनकी जो किक है वो ऊपर डाउन हो जा रही है और उससे किक से पावर जनरेट नहीं हो रही है। देखिए जो वीडियोस मेरे पास आई स्विमर्स की उसमें गलती क्या थी ना, उनकी किक इस तरह चल रही थी, छोटी किक चल रही थी प्लस नीचे चल रही थी, मतलब इस तरह वो लोग इस तरह किक कर रहे थे, ये इतनी छोटी छोटी किक इस तरह, तो इससे कोई पावर जनरेट नहीं होगी। इसको अभी आप पानी में भी देखिएगा जो शॉर्ट किक है वो मैं बता रहा हूँ कि वो छोटी किक किस तरह चलती है इनकी इस तरह, ठीक। और इससे कोई पावर, देखिए इससे कोई पावर जनरेट होती नहीं, ये जो गलत किक है वो ये है। इससे आपको लग रहा होगा कि किक तो बहुत तेज चल रही है, लेकिन एक तेज चल तो रही है लेकिन मतलब उसमें अब इस तरह किक करने से ना कोई पावर जनरेट ही नहीं होती, जो भी जनरेट होती वो इतनी प्रॉपर या इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि आपकी बॉडी को आगे की ओर ढकेल सके। लेकिन अगर यही किक थोड़ा सा आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दीजिए, मतलब जैसे ये छोटे किक आप कर रहे थे अब इसी का एम्पलीट्यूड अगर आप बढ़ा देंगे तो आपको एक प्रॉपर प्रेशर मिलेगा बैक से जो आपकी बॉडी को आगे की ओर ढकेलेगा। और आपकी जो जो घुटना, बहुत लोग घुटना ही नहीं बेंड करते, मतलब छोटी किक जैसे ये कर रहे हैं शॉर्ट किक, ये एकदम किस तरह करेंगे घुटना, वो लोग घुटना का यूज़ ही नहीं करते, मतलब अपने नी का यूज़ ही नहीं करते। और नी का यूज़ करने पे देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है, जैसे ये है नी, जब यूज़ करके आप किक करेंगे, जैसे नी यूज़ करके किक करेंगे ना तो वो आप आपकी जो किक है उसके प्रेशर, मतलब किक जो आपका है उससे पानी को पीछे की ओर फेंकेगा। मान लीजिए ये नी है, मान लीजिए आपकी किक ये है, आप इसको मोड़ नहीं रहे हैं, आपने पॉइंटेड किया है पीछे, ठीक है वो पॉइंटेड एकदम सही आपने किया है, लेकिन आप अगर ये घुटना आपका जो है अगर वही नहीं मोड़ रहे हैं तो आप किक किस तरह चलेगी, ये इससे उतना पावर नहीं जनरेट होती। अगर आप इसी नी को अगर हल्का सा मोड़ लीजिए इस तरह और फिर इस तरह किक करिए ये, तो ये आपको ज़्यादा पावर देगी इन कंपेरिजन टू दिस वाली किक से। ये तो एक हिसाब से बस आपकी बॉडी ऊपर नीचे हो रही, इससे कोई किक नहीं बन रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर आप घुटना अगर मोड़ के किक पीछे की ओर करेंगे ना, जब पीछे की ओर किक मारेंगे तो वही चीज़ तो आपको आगे की ओर भेजेगा आपकी बॉडी को प्रेशर, तो जो सही किक होती है वो इस तरह होती है। ठीक है, तो ये आप चेंजेस करिए अपने किक में तो आप इम्प्रूवमेंट ईजिली देख लेंगे, ठीक है। और अब चलते हैं किक की एक सेट आपको बताना है, किक बोर्ड की हेल्प से मैं बताने जा रहा हूँ। इसको भी आप जितना करेंगे उतना ही आपको ये आपकी किक और इम्प्रूव करेगा किक को, ठीक है। 25 मीटर हम चल के देखते हैं ये किक सेट क्या है। इस किक सेट में आपको क्या करना है, आपको एक ब्रीफ लेनी है और लगभग जैसे मैंने 10 सेकंड आपको बताया था कि फास्ट करना है, 10 सेकंड स्लो करना है मैंने पिछली वीडियो में, वही सेम चीज़ इसमें है इसमें, लेकिन आपको क्या करना है कि 10 सेकंड आपको क्या करना है फ्री की किक करनी है और 10 सेकंड आपको करना है डॉल्फिन की किक, वो कुछ इस तरह होगा, और फास्ट करनी है इसको भी, ठीक है वो ये होगा। ये जो किक सेट है ये आप ट्राई करिए, जो भी बिगिनर्स जो हैं जो स्विमिंग सीख चुके हैं वो इस किक को ज़रूर इंक्लूड करें, इससे आपकी डॉल्फिन भी अच्छी होगी प्लस फ्री स्टाइल की जो किक की पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी।